All right, so hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel, Let's Crack Neet UG. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. This channel is your one-stop solution for Neet UG entrance examination. अगर आप Neet UG की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं, then this channel is going to be the best channel for you. यहाँ पर आपको physics, chemistry, biology का पूरा syllabus मिलता है by India's top educators. So welcome guys, welcome to this amazing session where we are going to read about the virus, viroids, prions and lichens at the end of the day. So Khyati Dwivedi, hello. Team Fearless, hello yaar, good morning. Jennifer, good morning. Himanshu, good morning. Saif Ali Ansari, good morning. Bhakti Rao, good morning. Good morning, good morning. So आगे बढ़ते हैं, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल लेसन. आप यहां से आपका 4 से 8 नंबर का काम डायरेक्टली आएगा इन द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज फॉर श्योर. ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका वायरस, वायरॉइड, प्रायोन और लाइकन से क्वेश्चन ना पूछा गया हो. और जब से प्रायोन आपका ऐड हुआ है एनसीईआरटी में एज अ न्यू आर्टिकल, तो प्रायोन्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाती है, राइट? सो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो या छूटे ना. एंड ऑब्वियसली अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं और इसे रिवाइज कर लेते हैं तो आपका नहीं छूटेगा. सो गाइज, हमने लेक्चर नंबर 1 में किसके बारे में पढ़ा था? किंगडम पढ़ा था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की स्टडी की थी. लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, वहां पर क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड आपके प्रोटोजोवंस के बारे में पढ़ा था. लेक्चर नंबर 3 यानी कल के लेक्चर में हमने फंगस के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज की डिस्कशन की थी. एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4 जहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वायरस, वायरॉइड, वायरसॉइड्स, प्रायोन्स, लाइकन्स और काफी सारी इनसे लिंक्ड चीजें. तो आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा. कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट? कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और वो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे विच आर गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा और अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा देन डेफिनेटली आप सही सॉल्व करेंगे. इट विल बूस्ट योर मोरल, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. सो प्लीज मेक श्योर कि कल 11 बजे वाली क्लास में आप जरूर आए और आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस वहां पर जरूर मिलेंगे. सो गाइज, माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा, आई एम पीजी बायोकेमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट एंड अभी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट इन टू सम गुड PhD यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट. तो अभी मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं, पॉसिबली आई विल जॉइन इट वेरी सून. देन गाइज, आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के द्वारा भी. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स द्वारा डाउनलोड की गई और पसंद की गई सबसे बेहतरीन ऐप है. आप भी इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं. फ्री स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, Vipin007 सर्च करना है या फिर आपको मेरा पूरा नाम करना है सर्च, विपिन कुमार शर्मा, तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी. डेली बेसिस पे मैं आपकी स्पेशल क्लासेस लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. आप हमारा पेड जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो भी खरीद सकते हैं, इसे हम कहते हैं प्लस प्लेटफॉर्म. तो प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब कंप्लीट हो जाता है. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, यहाँ पर आपके रेगुलर बेसिस पर क्या होते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं. तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलती है, रेगुलर रैंक्स मिलती रहती हैं. आपको पता लग जाता है कि आप एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करते हो. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं तो कोई भी रैंडमाइज्ड वीडियो बीच में नहीं आती. जैसे कि इस महीने का मेरा टारगेट है बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, तो मेरा जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे और जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो बायोटेक करेंगे. और जो दोनों करना चाहते हैं यानी कि ड्रॉपर्स, वो दोनों कोर्सेज कर सकते हैं. तो एक महीने में 2 यूनिट कंप्लीट हो रही हैं, 2 यूनिट में ऑलरेडी करा चुका हूं. यानी अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करके रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो, लाइव साथ साथ चलते रहते हो, तो 3 महीने में आप पूरा का पूरा सिलेबस करके रख दोगे. और बचे हुए 3 महीने में मैं आपको 2 से 3 बार दोबारा से रिविजन करा दूंगा. आपको करना क्या है मेरे बैच में आने के लिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है विपिन नाम का कोड लगा करके, और उसके बाद आपकी सारी जिम्मेदारी अपनी. अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है, जितनी वीडियोस देखनी है, जितनी बार वीडियोस देखनी है उतना आप देख सकते हो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन खत्म ना हो जाए. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए जो खुद से तैयारी करने में थोड़े से शर्माते हैं, झिझकते हैं या फिर जिनका फर्स्ट टाइम नेट प्रिपरेशन है और ऑनलाइन उन्हें आना पड़ रहा है, उन्हें ऑफलाइन वाली फीलिंग चाहिए, तो यहाँ पे दोस्त आपको क्या मिलेगा, एक पर्सनल कोच मिल जाएगा. पर्सनल कोच आपकी हर दुविधा का हल है. आपको टेस्ट एनालिसिस वो आपके करके देंगे, आपको स्टडी प्लानर बनाकर देंगे, सारे के सारे प्लस के बेनिफिट्स इसके अंदर होंगे. ये एक बहुत ही बड़ा रामबाण है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक गाइड की, एक मोटिवेटर की रेगुलर बेसिस पर जरूरत होती है. तो आपको एक एक्सपर्ट गाइड करेगा,
राइट right? ना कि सिर्फ कोई आपका दोस्त, ना कि सिर्फ आपका कोई टीचर, एक एक्सपर्ट जिसकी एक्सपर्टाइज है गाइड करने में और आपको नीट के लिए तैयार करने में। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन इट इज गोइंग टू द बेस्ट वन, अदरवाइज आप लोग प्लस भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस थोड़ी ज्यादा है, तो आपको ये जो ग्रीन बार है ये आइकॉनिक पर शिफ्ट करना है। तो यहां पर देख रहे हो आप फीस थोड़ी सी ज्यादा है, आपको इसे कम करने के लिए एक मैजिकल कोड लगाना पड़ेगा यहां पर, और वो कोड है विपिन। जब आप ये मैजिकल कोड लगाते हो मेरा नाम कैपिटल VIPIN, तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पैक पर 10% डिस्काउंट मिल जाता है। आप मेरे बैच में आ जाते हो, आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, एंड अल्टीमेटली आप मेरे अलावा भी सारे एजुकेटर्स की वीडियो देख सकते हो। तो आप मेरा कोड लगाइए और सबकी वीडियो देख लीजिए, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सो जब आप मेरा कोड लगाओगे तो फीस आपकी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। जो नॉर्मल प्लस पैकेजेस हैं उसके लिए आपको प्लस पे शिफ्ट करना है, एंड देन आप जो है एक महीने के पैक से लेके दो साल तक का पैक खरीद सकते हो। यहां पर देखो 7000 का मंथली पैक है। जब आप विपिन नाम का कोड लगाओगे तो ये कितने का हो जाएगा, 6300 का हो जाएगा। लेकिन सर ये तो अभी भी बहुत ज्यादा है मंथली बेसिस पे, तो आप क्या करो दो साल का एक पैक ले लो। आपको अगर एक साल तैयारी करनी है तो अपने किसी दोस्त को शिफ्ट कर देना, आगे बढ़ा देना हाफ कॉस्ट में, जैसा भी आपको अच्छा लगे, तो आपको भी सस्ता पड़ जाएगा एंड आपके अगले दोस्त को भी सस्ता पड़ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, विपिन नाम का आप कोड लगाओ, विपिन नाम का कोड लगाने के बाद महीने की 2100 रुपए फीस लगेगी यहां पर। तो एक जगह पर 6300 है, दूसरी जगह पर 2100 है, तीन गुना पैसे बच गए। ओके, और तैयारी भी बढ़िया हो गई, डन। तो ऐसा करके आप विपिन कोड लगा के अपनी फीस को कम कर सकते हो। आते हैं मुद्दे की बात पे, बहुत खतरनाक चीज है ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और इस खतरनाक चीज ने सन 2019 में और 2020 में यानी कि हमारे अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है। तो क्या नाम बता सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं 2019 और 20 में? ओके, नाम बता सकते हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं जिसने 2019 और 20 में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है? आई होप यू ऑल नो अबाउट दैट। इससे काफी सारे स्कूल्स के बच्चों को छुट्टी भी मिली है। ओके, काफी लोगों की काम से ही छुट्टी हो गई। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीज थी मेरे दोस्त जिस के थ्रू यू नो बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आ गई है पूरी दुनिया के अंदर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना और द COVID-19 वायरस। आप लोग बिल्कुल सही हो, सो दैट इज ऑल्सो अ वायरस। तो आज हम वायरस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा वायरस ही है, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है। तो अभी एकदम स्टाइल में उड़ता हुआ आएगा आपका हेडिंग, दैट इज वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल टॉपिक कराऊंगा विच इज गिवन इन द लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक, दैट इज प्रायन। तो प्रायन भी मैं यहां पर आपको डिटेल में कराऊंगा, इसकी डिटेल नॉलेज आपको होनी भी चाहिए तभी आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, राइट? चलो, तो वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स क्या होते हैं? तो पहला हमारा टॉपिक है वायरस, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो वायरस के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में कुछ फीचर्स आ जाने चाहिए वायरस के, कि वायरस कैसा होता होगा, कैसा दिखता होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, ये लिविंग भी है या नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या इसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, या फिर ये नॉर्मली आपका बॉडी के बाहर एक्टिवेटेड रहता है या नहीं रहता। ये सारी चीजें आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने R.H. विटेकर की पांचों की पांचों किंगडम्स के बारे में जान लिया। तो R.H. विटेकर साहब ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया किनको, दुनिया के सारे इंडिविजुअल्स को। इन्होंने बोला मोनेरा वो हैं जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है जिनमें बैक्टीरिया रहेगा, प्रोटिस्टा वो हैं जिनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ओके, इसमें आपके प्रोटोजोअन, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह रहेंगे। फंगस में सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो मल्टीसेलुलर है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और जिनकी सेल वॉल काइटिन की है। प्लांट में वो रहेंगे जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, मल्टीसेलुलर है और जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की है। एंड एनिमल में वो रहेंगे जो कि हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और सेल वॉल इनमें एब्सेंट है। तो यहां पर क्या कहीं आपने लाइकन का नाम सुना? क्या यहां पर कहीं आपने वायरसॉइड का नाम सुना? क्या आपने वायरॉइड का नाम सुना? क्या आपने वायरस का नाम सुना? या क्या आपने प्रायन का नाम सुना? द आंसर इज नो। यहां पर आपने कहीं पर भी वायरस का नाम, वायरॉइड का नाम, प्रायन का नाम नहीं सुना। एंड क्यों नहीं सुना? ओके, क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये जो है आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। ए सेलुलर मतलब इनके अंदर सेल नहीं होता, इनकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आप बेसिकली एक सेल बनाते हो, देन व्हाट डज द सेल लुक्स लाइक, व्हाट डज द सेल लुक्स लाइक। जब भी आप किसी छोटे से छोटे इंडिविजुअल की बात करते हो, समझ लो कि मैं सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं जो कि आपका माइकोप्लाज्मा। समझ लो मैं माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा हूं जिसका साइज भी छोटा है और ये बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं है।
अब यहां पर क्या होगा, आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, सेल वॉल तो एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, यू नो वेरी वेल। अब यहां पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटीरियल रहेगा, राइट, इसके अंदर आपका राइबोसोम वगैरह रहेगा, इसके अंदर कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, एटलीस्ट ये तो प्रेजेंट होना चाहिए ना हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म लिविंग कब कहलाता है, जब आपका वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पोजेस करता है। हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर किया है इससे पहले, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग में भी हो सकती है। हमने बोला रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि स्टेराइल वर्कर बीज, म्यूज, ओके, और आपके इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने देखे थे कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि होने चाहिए हर लिविंग में, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर ये कैरेक्टर होगा ही होगा, जैसे मेटाबॉलिज्म, बिना मेटाबॉलिज्म के आप किसी को लिविंग नहीं बोल सकते। सिमिलरली बिना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आप किसी को लिविंग नहीं बोल सकते। जब आप वायरसेस की बात करते हो मेरे दोस्त, तो उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है इसके साथ, और इसके साथ डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के साथ डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर तो सेल वाले कोई गुण हुए ही नहीं, इसमें तो कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई, इसीलिए इसे नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा गया है। आप समझे क्यों ये स्ट्रिक्टली लिविंग नहीं कहा गया, ये स्ट्रिक्टली लिविंग इसीलिए नहीं कहा गया मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम का ये जो फंडामेंटल फीचर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है ये एब्सेंट है। इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिली ही नहीं, ये एब्सेंट थी, इसीलिए इसे क्या किया गया, नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा गया। तो वायरसेस को आपका कॉमनली क्या कहा जाता है, वायरसेस को कहा जाता है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, फटाफट बताओ कनेक्टिंग लिंक किस किसके बीच में है, वायरस किस चीज के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, फटाफट बताओ वायरस किस चीज के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, किन दो चीजों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती जुलती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, एग्जैक्टली देव कुमार, भक्ति राव, लाइबा नूर, हिमांशु, साइमा, अनु, एग्जैक्टली रंजीत, श्रुति, इमाद असगर, बहुत बढ़िया, ये आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें लिविंग की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और नॉन लिविंग की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब ये नॉन लिविंग क्यों कहलाता है, नॉन लिविंग ये इसलिए कहलाता है क्योंकि पहली बात तो इसमें सेल नहीं है, इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है ना कभी भी वायरस, तो वो लिविंग नहीं माना जाता, वो आपका इनर्ट स्टेट में प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तीसरा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनली, तो स्टेनली नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था, और क्रिस्टलाइज वो चीज हो सकती है जो प्रोटीन को बहुत ज्यादा कैरी करती है, यानी जब ये क्रिस्टलाइज हुआ तो स्टेनली साहब ने कहा वायरस आपका नॉन लिविंग है क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका ये जो आउटर प्रोटीन था ना मेरे दोस्त, इसका क्या बन गया, इसका क्रिस्टल बन गया जब स्टेनली साहब ने क्रिस्टल बनाने की कोशिश करी। तो उससे ये पता लग गया, उससे हमें दो चीजें पता लग गई कि वायरस हमारे सेल के बाहर नॉन लिविंग होता है, दूसरा हमें ये पता लग गया वायरस का ज्यादातर पार्ट आपका प्रोटीन होता है, राइट, तभी ये क्रिस्टलाइज हो पाया ना प्रोटीन की वजह से, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये लिविंग क्यों कहा जाता है, ये लिविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे एक होस्ट सेल की जरूरत होती है, इसे एक होस्ट सेल की जरूरत होती है, समझ लो इसका होस्ट है बैक्टीरिया, एक वायरस ऐसा है जिसने बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया, तो बैक्टीरिया किस सेल में जाने के बाद वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर देता है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल में, वायरस के डीएनए में या वायरस के आरएनए में वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि अगर ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर गया तो वहां पर ये क्या करने लगेगा, रेप्लिकेट करने लगेगा, ये अपनी कॉपीज बनाने लगेगा, ये अपना नंबर बढ़ाएगा, और ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स को बोलेगा कि तुम मेरे अंडर काम करो। सो इट यूज टू टेक ओवर द होस्ट जेनेटिक मशीनरी, इट यूज टू टेक ओवर, ये क्या कर लेता है, इसको काफी सारे फेमस ऑथर्स ने क्या कहा है, सेल हाईजैकिंग कहा है। जैसे गुंडे आ जाते हैं ना, आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे धमाल पिक्चर में देखा होगा बाबू भाई, ओके, तो बाबू भाई क्या करता है, बस हाईजैक कर लेता है। सिमिलरली ये क्या है, बाबू भाई है, और बैक्टीरिया क्या है, बस है, ये अंदर गया और इसने बस को हाईजैक कर लिया, बैक्टीरिया को हाईजैक कर लिया, नाउ इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इट्स ओन डीएनए मॉलिक्यूल्स,
बाय द वर्च्यू ऑफ एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स को अपना नौकर बना लेगा और कहेगा तुम मेरा डीएनए रेप्लिकेट करो, तुम मेरे प्रोटीन्स बनाओ जिससे मैं जो है यहाँ पर और अपना नंबर बढ़ा सकूं। सिमिलरली अगर ये आपकी बॉडी के अंदर चला गया, समझ लीजिए कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है आपको, तो आपकी बॉडी में जाने के बाद भी जिस सेल में ये एंटर करता है वहां पर ये अपनी हजारों कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और लाइटिक साइकिल क्या होती है? लाइटिक साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें सेल फट जाता है एंड में। ओके, तो बैक्टीरिया की वायरस की लाइफ साइकिल दो तरीके की हो सकती है। एक आपका लाइटिक जिसमें बैक्टीरिया को फाड़ देगा ये अंदर घुस के, और एक आपकी लाइसोजेनिक। ओके, लाइसोजेनिक। तो यहां पर समझ लो लाइटिक वाली जो कि कॉमन होती है काफी, यहां पर इतना ज्यादा इनका नंबर होता है कि बैक्टीरिया की जब डेथ होगी या फिर आपके किसी होस्ट सेल की जब डेथ होगी तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे वायरसेस को आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देगा और वो वायरसेस अलग अलग सेल्स में घुस जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर आप एंटीबायोटिक खा लेते हो वायरल फीवर में एंटीबायोटिक, तो क्या कोई ये असर करेगी? क्या एंटीबायोटिक कोई असर करेगी वायरल इन्फेक्शन में? क्या एंटीबायोटिक असर करती है वायरल इन्फेक्शन में? भक्ति राव इज सेइंग नो, इमाद असगर नहीं, खुशबू नो, देव नो, साइमा खान नो, सैफ अली अंसारी नो, सौरभ नो, हिमांशु नो, बहुत बढ़िया, श्रुति रोहन सबका आंसर ठीक है, नहीं। क्योंकि एंटीबायोटिक आपके क्या होती है, एंटीबायोटिक आर द इंपॉर्टेंट केमिकल्स दैट स्टॉप्स और दैट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ व्हाट, दैट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये तो आपके बैक्टीरिया को रोकेगा ना, ये वायरस पे कोई असर नहीं करता। लेकिन काफी बार आपके वायरल इन्फेक्शन में आपको डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफी बार जब आपकी बॉडी में वायरस आ जाता है, मैं एक ऐसा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं जिससे आपके दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इस कंसेप्ट को बहुत गौर से सुनना, बिकॉज ये कंसेप्ट आप आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ओके, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन मतलब एक फुद्दू सा आदमी है जिसके बस का कुछ भी नहीं। ओके, एक छोटा सा कीटाणु है जिसके बस का कुछ नहीं है, जो कभी बीमारी कॉज नहीं कर सकता। ओके, लेकिन अगर समझ लो उसके सामने कोई कमजोर, अगर कोई कमजोर इंसान है तो उस पे वो ट्राई कर सकता है। समझ रहे हो ना, उस पे वो ट्राई कर सकता है। समझ लो कि मैं हूं 60 kg का, मेरे सामने एक ओपोनेंट है जो कि है 100 kg का, वो मोटा है, तगड़ा है, पहलवान है, उसने जिम शिम कर रखी है, बहुत बढ़िया अखाड़े में प्रैक्टिस कर रखी है, ऊपर से उसकी गोल गोल मूछें और वो ऐसे ऐसे करके हंस के मुझे अपनी साइड बुला रहा है, तो क्या मैं जाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे देखो भाई सर्दी में बहुत जोर से लगती है भाई चट चट करके, और सर्दी स्टार्ट हो गई है, पिटने का शौक किसी को है नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा, राइट? मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन समझ लो मेरे आगे खड़ा है 30 kg का कोई फुकड़ी पहलवान जो कि जस्ट अभी नया आया है, मुझे लगता है कि मैं उसे हरा दूंगा, तो मैं जाके उसको ऐसे ऐसे हिला के उसके 2 चाटे मार के आ सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, लड़ने का रिस्क ले लूंगा। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्या होते हैं, जिनकी नॉर्मली कोई औकात नहीं है, लेकिन जब आपकी बॉडी कमजोर है तब वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, तब वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो समझ लो आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन से आपकी बॉडी कमजोर हो गई, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली आपके आसपास रहते हैं, और वो बैक्टीरिया भी आपके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बीमारियां कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफी बार जो एंटीबायोटिक दी जाती है ना, वो इसके लिए दी जाती है कि आपको अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहीं हार्म ना कर दे, वो इसके लिए नहीं दी जाती। तो ये हमेशा याद रखना, तो हर चीज का एक रीजन रहता है दोस्त, हर चीज का रीजन रहता है। अगर आपको किसी ने एंटीबायोटिक दी है देन इट इज फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि आपको अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं दी गई, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको यहां पर समझना था। तो यहां पर क्या है, बैक्टीरिया में आप वायरस में सॉरी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी गुण हैं और नॉन लिविंग के भी, लेकिन सिंस इसमें ज्यादा गुण आपके नॉन लिविंग के हैं इसीलिए इसे लिविंग में नहीं रखा गया है अकॉर्डिंग टू द 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker, क्योंकि इसके अंदर खुद का सेल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके पास खुद का सेल नहीं है, ये औरों के सेल्स में जाकर क्या करता है, आपका टाइम पास करता है, वहां पर जाकर के ये क्या करता है, अपने सारे काम करने की कोशिश करता है। लाइकन जो है, लाइकन क्या है, एक एसोसिएशन है, मैंने आपको लाइकन के बारे में पढ़ा दिया था। लाइकन में क्या था, आपका एल्गी था प्लस फंजाय था। फंजाय क्या कर रहा था, आपका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा रहा था, फंजाय आपका शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था एल्गी को, और बदले में एल्गी क्या कर रहा था, एल्गी आपका प्लांट है, वो बदले में फंजाई को क्या कर रहा था, खाना दे रहा था। तो इट इज अ टू वे रिलेशनशिप। तो लाइकन क्या है, लाइकन आपका एक एसोसिएशन है मेरे दोस्त, इसीलिए इसे 5 kingdom में नहीं रखा। एल्गी आपका प्लांट किंगडम का पार्ट है, फंगस आपका फंजाई किंगडम का पार्ट है, लेकिन इन दोनों की एसोसिएशन तो
एक किंगडम में नहीं रख सकते ना आप, इसीलिए इसको फाइव किंगडम में मेंशन नहीं किया। वायरसेस आपके नॉन सेलुलर होते हैं क्योंकि वायरस के पास अपना खुद का सेल नहीं होता एंड आर नॉट ट्रूली लिविंग, इनको लिविंग भी कंसिडर नहीं किया जाता इसी वजह से क्योंकि इनके पास खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं है, इनके पास खुद की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो इसीलिए इनको फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं किया गया बाय आर एच विटेकर साहब। वायरस हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ये क्रिस्टलाइज करने का काम किसने किया था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्टैनली नाम के एक साइंटिस्ट थे, स्टैनली नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो इससे हमें दो चीजें पता लगी, पहला कि वायरसेस आर मेनली फॉर्मड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दे आर इनर्ट एंड दे आर नॉन लिविंग क्योंकि ये आपके क्रिस्टलाइज हो रहे थे जब ये प्रेजेंट थे आउटसाइड द सेल। तो अगर कोरोना आपके आसपास प्रेजेंट है तो उससे आपको कोई खतरा नहीं है, अनलेस वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो आपके सेल्स की मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा और आपके सेल्स पे जाकर अधिकार जमाना स्टार्ट कर देगा कि तुम लोग अब मेरे नीचे काम करो और तुम लोग अब वो बनाओगे जो मैं तुम्हें बनाने के लिए कहूंगा, यानी कोरोना वायरस का आरएनए एंड कोरोना वायरस का आपका जो भी इंपॉर्टेंट मशीनरी उसे चाहिए वो सारी वो हमारे सेल के अंदर आकर तैयार कर लेगा। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब इसे जो है पैरासाइट के तौर पे ही जिंदा रहना पड़ता है, ये बिना पैरासिटिक हुए काम नहीं कर सकता, यानी अगर वायरस को आपकी बॉडी के अंदर जाना है तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, यानी कि उसे होस्ट सेल की जरूरत है, अगर वो पैरासाइट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अगर वो नॉर्मली प्रेजेंट है सराउंडिंग में और किसी सेल के अंदर नहीं है तो वो आपका हमेशा नॉन लिविंग कंसिडर किया जाएगा, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म या इनर्ट फॉर्म में पड़ा रहेगा। When they infect a cell, they take over the machinery of host cell and replicate themselves, killing the host. बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपका वायरस जो है आपकी बॉडी के बाहर तो इनर्ट स्टेट में प्रेजेंट था, लेकिन जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है, समझ लो इसने किसी बैक्टीरिया पे अटैक कर दिया, समझ लो ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है लिख के बता दो जिन जिन लोगों को पता है, बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया के ऊपर एंड फेज का मतलब वायरस, तो ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो इसके लिए इस वायरस के लिए होस्ट कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गया। सिमिलरली समझ लो कोई ऐसा वायरस है जो कि प्लांट पर अटैक करता है तो उसका होस्ट कौन हो गया, एक प्लांट सेल हो गया, और समझ लो कोई ऐसा वायरस है जो एनिमल सेल पर अटैक करता है तो उसका होस्ट क्या हो गया, उसका होस्ट एनिमल सेल हो गया, राइट, ये आपको बस यहां पर याद करना है। डन, तो ये आपके नीचे कुछ वायरसेस के चित्र दिए हुए हैं जो कि आप चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, देव कुमार, भक्ति राव, इमाद असगर, बिल्कुल सही, साइमा खान, जो आपके बैक्टीरिया को किल करे ऐसे वायरस को आप क्या बोलते हो, बैक्टीरियो फेज बोलते हो, काफी लोग इसे बैक्टीरियो फाज भी कहते हैं, सो नो इश्यूज इन दैट, वो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन, लुईस पाश्चर साहब ने क्या कहा था, लुईस पाश्चर साहब ने वायरस टर्म दी थी, ओके, और वायरस टर्म का मतलब क्या था, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, वेनम मतलब इन्होंने क्या कहा, वायरस को जहर कह दिया, यानी लुईस पाश्चर साहब ने वायरस को जहर कहा, उन्हें इस बात का पता था कि ये आपका बीमारी कॉज करता है और सामने वाले की जहर की वजह से मौत तक हो सकती है, तो वायरस का जो नाम था एक इन्होंने रखा लुईस पाश्चर ने, ओके, इन चारों में से क्वेश्चन पूछा जाता है और खासकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बिजर्निक और स्टेनली के ऊपर, ओके, डीजे इवानोस्की ने क्या किया था, डीजे इवानोस्की ने वायरस को डिस्कवर किया था, इन्होंने पता किया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि मोजैक डिजीज कॉज करते हैं टोबैको में, तो इस डिजीज को आप क्या बोलोगे, टोबैको मोजैक डिजीज, तो टोबैको के अंदर जो मोजैक डिजीज थी जिसकी वजह से टोबैको की क्वालिटी भी खराब हो रही थी और इसकी ओवरऑल पैदावार भी कम हो रही थी, वो एक माइक्रोब की वजह से था, तो इवानोस्की ने क्या कहा, इवानोस्की ने कहा कि चलो देखते हैं ये माइक्रोब कौन सा है, सो इन्होंने देखा कि ये जो माइक्रोब है ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं क्योंकि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से अपने आप को पास कर सकते हैं। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर क्या होता है, बैक्टीरिया को रोकने के लिए आप कुछ फिल्टर्स का उपयोग करते हो, जैसे कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर क्या है, कुछ ऐसे फिल्टर्स होते हैं जिनका पोर साइज बैक्टीरिया के साइज से कम होता है, जैसे कि समझ लो आप चाय बना रहे हो, अब चाय बनाते टाइम आपने नीचे क्या लगा ली, आपने छलनी लगा ली, आपने नीचे चाय छानने की छलनी लगा ली, राइट, ये आपकी छलनी है, इसके अंदर आप क्या पोर करते हो, इसके अंदर आप केतली से पोर करते हो भाई चाय, राइट, इसके अंदर आप केतली से पोर करते हो चाय, ये आपने पोर करी,
जब आप केतली में से चाय पोर करते हो तो क्या होता है, आपकी जो फ्रेश चाय है वो तो नीचे चली जाएगी, आपकी फ्रेश चाय है नीचे चली जाएगी कंटेनर में, और आपकी जो चाय पत्ती है ये कहां रह जाएगी, चाय पत्ती आपकी रह जाएगी यहां पर इसके ऊपर जमी रह जाएगी। तो ये क्या हुए, ये आपके चाय पत्ती के मॉलिक्यूल्स हुए, समझ लो टी लीफ के मॉलिक्यूल हो गए। सिमिलरली आपको यहां पर देखना है कि आपके बैक्टीरिया रह जाते हैं एक फिल्टर के ऊपर, समझ लो ये जो छलनी है इसको मैंने रेप्लिकेट कर दिया और इसको मैंने बना दिया है फिल्टर के फॉर्म में, नीचे आपका वही कंटेनर है एंड ऊपर से आपने चाय की जगह क्या डाल दिया, चाय की जगह आपने डाल दिया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बैक्टीरिया भी है, सॉल्यूशन जिसके अंदर बैक्टीरिया भी है। तो अब आप क्या देखोगे, अब आप ये देखोगे मेरे दोस्त कि ये जो सॉल्यूशन है ये तो छन के आपका नीचे चला जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज छोटा है और ये जो बैक्टीरिया है ये छोटे छोटे क्या होंगे, यहां पर जमा हो जाएंगे। ये जमा कब हो सकते हैं, जब आपकी छलनी का पोर साइज आपके बैक्टीरिया के साइज से छोटा हो। समझ लो ये आपका छेद का साइज है इस छलनी का, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं इस मेम्ब्रेन को, ये आपका छेद का साइज है छलनी का और आपका बैक्टीरिया का साइज समझ लो इतना है, बैक्टीरिया का साइज अगर इतना है तो ये निकल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, छेद का साइज छोटा करना पड़ता है जिससे कि बैक्टीरिया का साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो और वो यहीं पे रुक जाए, और वो यहीं पे रुक जाए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके डीजे इवानोस्की साहब ने क्या नोटिस किया, ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये वायरसेस आपके बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, राइट। इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ बैक्टीरिया, डन। अब देखो बिजर्निक साहब ने क्या किया था, बिजर्निक साहब ने वायरस को एक नाम दिया था, दैट इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम या फिर लिविंग इंफेक्शियस फ्लूइड। तो बिजर्निक साहब ने क्या किया था, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इसे बोला गया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इवानोस्की साहब के एक्सपेरिमेंट्स को ही थोड़ा आगे बढ़ाया। इवानोस्की साहब क्या कह रहे थे कि टोबैको मोजैक में जो डिजीज कॉज करने वाला माइक्रोब है वो कौन है, वायरस है, ओके, और वो बैक्टीरिया से छोटा है। बिजर्निक साहब ने क्या किया, जो आपका बीमार टोबैको था उससे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया जिसके अंदर बीमारी कॉज करने वाला वायरस भी आ गया और उस एक्सट्रैक्ट को छिड़क दिया साफ सुथरे एकदम हेल्दी टोबैको के ऊपर। अब वायरस अगर आपने लगा दिए हैं हेल्दी टोबैको के ऊपर तो हेल्दी टोबैको की भी बैंड बच जाएगी, तो अल्टीमेटली हेल्दी भी क्या बन जाएगा, आपका डिजीज्ड बन जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा फ्लूइड है ये जो कि इन्फेक्शियस है, इसीलिए इन्होंने इसे बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या फिर अपनी भाषा में इन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा, बिजर्निक साहब ने कहा। एंड स्टैनली साहब ने, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्टैनली साहब ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था और क्रिस्टल्स जो थे किसके बनेंगे, प्रोटीन के बनेंगे, तो क्रिस्टल्स आपके ज्यादातर किसके बने, प्रोटीन के बने। तो इससे आपको दो बातें पता लगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो बातें कौन सी पता लगी, पहला कि वायरस आपका प्रोटीन होता है मेजर ऑफ द कॉन्टेंट, सेकेंड आपका नॉन लिविंग होता है इसीलिए क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो ये चार साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, लुईस पाश्चर जिन्होंने टर्म दी, डीजे इवानोस्की जिन्होंने डिस्कवर किया, एमडब्ल्यू बिजर्निक कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, W.M. Stanley आपका क्रिस्टलाइज किया इन्होंने वायरसेस को। चारों साइंटिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक जिस जिसको समझ में आ गया जस्ट लेट मी नो, जस्ट गिव मी अ बिग फैट थम्स अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार फटाफट से थम्स अप दे दो, ओके, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। ऑल राइट, ग्रेट। सो अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोला, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, देखो इस वर्ड को तोड़ के देखो, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, इट कुड बी डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इट कुड बी आरएनए दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है तो इसमें न्यूक्लियो का मतलब है डीएनए आरएनए होगा और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का इसके ऊपर कोट चढ़ा हुआ होगा। तो वायरस को आपने क्या बोला है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, यानी इसके ऊपर प्रोटीन कोट भी होगा जिसको आप कैप्सिड बोलते हो और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए और आरएनए लिखा है, और आरएनए का मतलब दोनों कभी साथ में नहीं होंगे, दोनों साथ में नहीं हो सकते, या तो एक वायरस में पूरा का पूरा डीएनए जेनेटिक मटीरियल रहेगा या एक वायरस में पूरा का पूरा आरएनए जेनेटिक मटीरियल रहेगा, नेवर बोथ, ये दोनों के दोनों कभी साथ साथ अकर नहीं कर सकते इन अ वायरस। यहां से क्वेश्चन बनता है,
So no virus contains both RNA and DNA together. Okay? यहां पर जो है both DNA and RNA कभी भी साथ साथ present नहीं हो सकते, ये आपके अलग अलग प्रेजेंट होते हैं. कुछ वायरसेस में स्पेसिफिकली आरएनए होगा, कुछ वायरसेस में स्पेसिफिकली डीएनए होगा. जैसे कोविड का बताओ फटाफट, कोविड में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या आरएनए? फटाक से बताओ, फटाक फटाक करके बताओ कि कोविड में आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या आरएनए? डीएनए या आरएनए? देव कुमार सिंह आरएनए, भक्ति राव सिंह आरएनए, दीपक ओके, इमाद सिंह आरएनए, श्रुति, साइमा, नवनीत, रोहन, देवाशीष, हिमांशु, ओके हिमांशु, इट्स रॉन्ग माय डियर, ओके अनुज, सैफ अली अंसारी, मोहम्मद सोहेल, रोहन, ओके ग्रेट, सबका ठीक है यार. आरएनए, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ कोविड 19, ठीक है. एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. बात क्या हुई यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस की, कि समझ लो आपका वायरस है जिसके अंदर प्रोटीन कोट है, और यहां पर इसके अंदर क्या है, डीएनए है या आरएनए है, लेट्स से जो भी चीज आप बोल रहे हो, इसमें से अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर क्या करता है, अगर समझ लो इसको इन्फेक्ट करना है, ये वायरस चाहता है कि किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, तो इन्फेक्ट कैसे करेगा, ये अपना डीएनए या आरएनए उसके अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा. तो इनमें से इन्फेक्शियस क्या होता है, डीएनए या आरएनए? बेसिकली आप कह सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपका इन्फेक्शियस होता है. जेनेटिक मटेरियल आपका कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है. प्रोटीन कोट आपका सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपका सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. डन. तो यहां पे देखो आपका कौन सा वायरस प्रेजेंट है, ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है. अब इसमें देखो अलग अलग चीजें क्या क्या प्रेजेंट रहती हैं. पहला आपका अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है वायरस, तो यहां पे आरएनए प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में. ऊपर आपका कैप्सिड है, कैप्सिड किसका बनता है, प्रोटीन का बनता है. ऊपर देखो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि आपका प्रोटीन जो है ये क्या बनाता है, कैप्सिड बनाता है, और छोटी छोटी यूनिट्स का मिलकर ये कैप्सिड बना होता है. उन छोटी छोटी यूनिट्स को आप क्या कहते हो, उन छोटी छोटी यूनिट्स को आप कहते हो कैप्सोमेयर. कैप्सोमेयर यानी छोटे छोटे कैप्सोमेयर बार 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 रेप्लिकेट होंगे, जुड़ेंगे, और ये आपके पॉलीमराइज होकर क्या बना लेंगे, कैप्सिड बना लेंगे. ओके, इसके ऊपर एक एनवेलप भी होता है. तो न्यूक्लियो प्रोटीन तो होता ही है वायरस, काफी बार इनके ऊपर एक एनवेलप भी प्रेजेंट हो सकता है. सो अगर ये एनवेलप प्रेजेंट है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रेजेंट, किन्हीं में प्रेजेंट हो भी सकता है, तो उन्हें आप बोलते हैं एनवेलप्ड वायरस, उन्हें आप कहते हैं एनवेलप्ड वायरस. और कुछ में एब्सेंट भी हो सकता है, तो इन्हें आप क्या कहते हो, नॉन एनवेलप्ड वायरस. नॉन एनवेलप्ड वायरस, जैसे यहां पर आप क्या देख रहे हो, एनवेलप है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस में, तो इन्फ्लुएंजा इज एन एनवेलप्ड वायरस. यहां पर क्या है, आपके स्पाइक्स लगे हुए हैं जो कि न्यूरामिनिडेज के हैं, जिसे आप सियालिडेज कहते हो, और हेम एग्लुटिनिन के भी हैं. अच्छा, मुझे अब एक क्वेश्चन बताना, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दिमाग की बत्ती एकदम खुल जाएगी, फट जाएगी दिमाग की बत्ती. फटाफट से ये बताओ कि आपने H1N1 इन्फ्लुएंजा सुना हुआ है, H1N1? ओके, आपके पैदा होने के बाद की बात है, इनफैक्ट आप शायद 6th-7th क्लास में होंगे. H1N1 फ्लू सुना हुआ है, H5N1 फ्लू, H7N1 फ्लू सुना हुआ है, देवाशीष नाथ सिंह सुना हुआ है, भक्ति राव सुना हुआ है, श्रुति सुना हुआ है, सैफ अली अंसारी सुना हुआ है, वुडी सॉन्ग सिंह नहीं सुना हुआ, सुना होना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा बीच में बहुत फैला था. अच्छा चलो एक चीज बताओ, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये किसने सुना हुआ है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये किसने सुना हुआ है, फटाक से बताओ. अब सबकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी. H1N1 बोल रहा हूं तो शायद ना सुना हुआ हो, लेकिन स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू अगर बोलूंगा तो शायद सबने सुना हो, 100% ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज अ श्योरिटी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने स्वाइन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू ना सुना हो. बीच में एक वो बात हुई थी कि आप मुर्गी मत खाइए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि बर्ड फ्लू फैला हुआ है. अब याद आया, स्वाइन से होने वाला यानी पिग से होने वाला, आप पिग का पोर्क मत खाइए, ओके, सुअर का मीट मत खाइए, पोर्क मत खाइए, उससे आपका फ्लू हो रहा है, दैट इज स्वाइन फ्लू. किस किस को याद आया, सबको याद आया. वो आपके H1N1 क्यों कहलाते हैं, एच का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, और आपका एन का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज. इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है मेरे दोस्त, हीम एग्लुटिनिन के 18 कॉम्बिनेशंस है और आपका न्यूरामिनिडेज के 11 कॉम्बिनेशंस है. तो आपका किस हिसाब से इनके नाम हो सकते हैं, समझ लो H1 है तो H1N1 हो जाएगा, H1N2 हो जाएगा, H1N3 हो जाएगा, ऐसे करते करते आपका H1N11 तक हो जाएगा. मानते हो,
सिमिलरली यहां पर देखो 18 में से सेकंड वाला ले लो तो आप बोलोगे H2N1, फिर H2N2, H2N3, H2N4, ये भी आपका कहां तक चला जाएगा, H2N11 तक चला जाएगा। सो देयर आर वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन्फ्लुएंजा वायरसेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूरामिनिडेज एंड हेमएग्लुटिनिन। अब ये 18 है और ये 11 है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये प्रेजेंट हो सकते हैं दोस्त। तो आपके टोटल कितने हो गए, 18 × 11 करके देख लो, 18 × 10 180 हो गए और आपके 198 के आसपास हो गए, मानते हो, यानी अराउंड 200 के आसपास कॉम्बिनेशंस आपके हो गए इन दोनों के। तो 200 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। इनमें से जो बीमारी कॉज करने वाले हैं वो काफी कम है, लेकिन यहां पर देखो तुम भाई बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो कितने लोगों को ये बात पता थी 18 × 11 वाली और कितने लोगों को नहीं पता थी, फटाफट बताओ कितने लोगों को अच्छा लगा ये नया कंसेप्ट। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को नया सीखने की मतलब एकदम जुनून रहता है उनके लिए इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, और जिनको नहीं सीखना तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा यार। ओके चलो, तो यहां पर ये आपका ओके ग्रेट, तो यहां पर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और बचा है। जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी ऐसे वायरसेस जो आपके प्लांट को इफेक्ट करते हैं इनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब मुझे एक बात बता दो फटाक से, आपका एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, आपका एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में एक ऐसे वायरस का जो कि प्लांट पे अटैक करता है, उसका नाम बता दो और उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है कि नहीं ये बता दो। एक डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर ऐसे वायरस का जो प्लांट पे अटैक करता है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, टोबैको पे अटैक करता है। ओके टीएमवी, वेरी गुड, टोबैको मोजैक वायरस, अभी तो हमने बताया था ना टोबैको में मोजैक डिजीज कॉज करने वाले वायरस को आप क्या बोलोगे, टीएमवी ही तो बोलोगे, राइट। अभी देखो वायरस जो कि एनिमल पे अटैक कर सकता है, इसमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, यानी इसमें आरएनए दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, लेकिन इसमें अगर डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका देखने को मिलेगा। ये किस पे अटैक कर सकते हैं, ये आपके एनिमल्स पे अटैक कर सकते हैं, और आपका बैक्टीरिया पे जो अटैक करेगा यानी बैक्टीरियोफेजेस, मैंने आपको क्या बताया था, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरसेस को आप क्या बोलते हो, बैक्टीरियोफेजेस। इनमें यूजुअली बोला है, कंपलसरी नहीं है, यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जैसे कि आप अलग अलग बैक्टीरियोफेज में देखोगे आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा। तो ये तीनों बातें आपको याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से, कि आपका जो प्लांट है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कॉमन रहता है, एनिमल में आपके आरएनए दोनों टाइप के हो सकते हैं, डीएनए सिर्फ डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका स्पेसिफिकली पाया जाता है इन द बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या है, आपका बैक्टीरियोफेज है, जो नीचे महाशय बने हुए हैं ये बैक्टीरियोफेज है, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरिया के सेल का सरफेस है, राइट, ये बैक्टीरिया के सेल का सरफेस है और ये आपके वायरसेस का पार्ट है, टेल फाइबर कहा जाता है इनसे इन्हें। तो टेल फाइबर क्या होता है, टेल फाइबर एक ऐसा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के सेल को होल्ड कर लेता है, उसके सेल पे अपनी पकड़ बना लेता है, अपने पांव जमा लेता है उसके ऊपर, और पांव जब जमा लेगा ना तो ये जो आपका डीएनए है यहां पर, ये जो डीएनए है ये फुचुक करके इसके अंदर जो है चला जाएगा, ये आपका बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा देगा। तो प्रोटीन आपका बाहर पड़ा रहेगा, ये जो आपका प्रोटीन है ये बाहर ही रहेगा, लेकिन आपका ये जो डीएनए है ये आपका अंदर चला जाएगा, ये आपका इंसर्ट हो जाएगा, बिकॉज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और यही आपका क्या होता है, डीएनए ही आपका इन्फेक्शियस होता है, तो ये इन्फेक्शियस होता है तो यही जाएगा ना बैक्टीरिया के अंदर, ये आपका बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है, डन। यहां पर देखो काफी सारी चीजें दी हुई है, जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस, तो इसका देखो यार एनवेलप बड़ा प्यारा सा है, कोरोना वायरस देखो COVID-19, ओके हर्पीज वायरस यहां पे प्रेजेंट है, बर्ड फ्लू वायरस जो हमने अभी देखा था, हेमएग्लुटिनिन और न्यूरामिनिडेज का एग्जांपल लेके वो आपका बर्ड फ्लू वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस एंड आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके ये आपकी इनके चेहरे हैं, ये आपको याद नहीं करने, सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए आपको दिखा दिए हैं, ये आपको याद नहीं करने, डन। चलो अब देखो भाई अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहां पर, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, कि प्रोटीन कोट जो है, जो आपका कैप्सिड है, वायरस क्या है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा यानी आपका डीएनए आरएनए होगा प्लस आपका प्रोटीन होगा, दैट इज कैप्सिड। कैप्सिड मैंने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बन सकता है, तो वो जो छोटी छोटी यूनिट है इनको आप क्या बोलते हो, कैप्सोमेयर बोलते हो, ओके। और ये जो प्रोटीन कोट है ना, ये न्यूक्लिक एसिड को बचा कर रखता है, यानी समझ लो ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है,
इसको बचाने के लिए यहां पर क्या है आपके कैप्सिड है। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट है ना, ये क्या हो गई, ये आपकी कैप्सोमेयर हो गई। छोटे छोटे कैप्सोमेयर मिलकर, जैसे यहां पे तीन कैप्सोमेयर मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका पूरा का पूरा कैप्सिड बना रहे हैं। ओके, इस तरीके से आपके मल्टीपल कैप्सोमेरिक यूनिट बनकर क्या बना सकती है, मिलकर आपका पूरा का पूरा कैप्सिड बना सकती है। जैसे यहां पर देखो, ये आपका कैप्सोमेयर है, ये 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 कैप्सोमेयर है, एंड सो ऑन। तो एक राउंड में आपको समझ लो 20 मिले, फिर दूसरे राउंड में आपको फिर 20 मिले, फिर तीसरे राउंड में आपको फिर 20 मिले। तो समझ लो यहां पर क्या हो गए, आपके 400-500 कैप्सोमेयर्स हो गए। तो 400-500 कैप्सोमेयर्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कंप्लीट कैप्सिड बनाते हैं। तो जो ओवरऑल आपका प्रोटीन कोट हुआ, उसको आप क्या बोलोगे, कैप्सिड। पूरे प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलोगे, देखो इसको कैप्सिड लिखा हुआ है, पूरे प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलोगे, लेकिन आपका छोटी छोटी यूनिट्स को कैप्सोमेरिक यूनिट्स बोलोगे, कैप्सोमेयर बोलोगे, जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है। डन। तो ये क्या हुआ, यहां पर इसने हेलिकल शेप ली हुई है, तो कैप्सोमेयर जो है ये हेलिकल शेप में अरेंज हो सकते हैं, स्प्रिंग लाइक फॉर्म में अरेंज है। जैसे कि देखो यहां पर आपका इस तरीके से अरेंज है, फिर आगे से घूम के आएगा, फिर इस तरीके से अरेंज है, आगे से घूम के आएगा इस तरीके से। तो यहां पर क्या किया इसने, स्प्रिंग लाइक मैनर में अरेंज है। तो ये कैसा है आपका, हेलिकल है, जैसा मैं बना रहा हूं ये सेम उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। So it is helical in nature, right? लेकिन यहां पर देखो ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका पॉलीहेड्रल की शेप बना रहा है, ये आपका पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म का हो सकता है। जैसे यहां पर ये हेक्सागोन बना रहा है, राइट, ये आपका हेक्सागोन बना रहा है, छह एंड का, एक दो तीन चार पांच छह, जैसे आपकी बेंजीन होती है ना छह की, तो इस शेप को आप क्या बोलते हो, हेक्सागोन बोलते हो, क्योंकि इसकी छह साइड्स हो गई। सिमिलरली ये क्या बनाता है आपका, हेक्सागोन लाइक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट कैप्सिड है, और ये जो छोटे 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 जो आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, इस सिंगल गोले को आपने क्या बोला, कैप्सोमेयर बोला। इसके बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको ये कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है। तो जो आपकी वायरस की ज्योमेट्री है, ये हेलिकल भी हो सकती है और ये आपका पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है। डन। चलिए अब देखो यार, काफी सारी बीमारियां आएंगी यहां पर जो कि आपका वायरस कॉज करता है, काफी सारी बीमारियां, जैसे मम्स है यहां पर, ओके आप देख रहे हो, स्मॉल पॉक्स है जो कि शायद आप देख भी ना पाओ, पहले बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग मतलब प्रोमिनेंट बीमारी थी, काफी लोगों में होती थी, हर्पेस है, ओके, इन्फ्लुएंजा है, एंड देन आपका एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वायरस से होने वाली एक ऐसी बीमारी जिसका अभी तक इलाज है भी नहीं। तो यहां पर मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, हेम्स एमआरपी, हेम्स एमआरपी, हेम्स एमआरपी का मतलब क्या है, एच का मतलब है हर्पिस, ओके, ए का मतलब है एड्स, आई का मतलब है इन्फ्लुएंजा, एम का मतलब है मम्प्स, एस का मतलब है स्मॉल पॉक्स, ओके, एम का मतलब है मीजल्स, आर का मतलब है रुबेला, एंड पी का मतलब है पोलियो। ये सारी डिजीज किससे होती हैं दोस्त, ये सारी की सारी डिजीज किससे होती हैं, आपकी वायरस से होती है, ओके और एच में आप हेपेटाइटिस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में जो नाम दिए हुए हैं वो सारे मैंने आपके लिए क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। सो इट इज हेम्स एमआरपी, यानी हर्पस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रुबेला एंड पोलियो। ये मेरे को याद करने में थोड़ी तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली सबकी एक कॉमन ट्रिक, कंबाइंड ट्रिक जो है बना ली, एंड आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो यहां पर देखो, वायरस कैन कॉज मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, जो कि आपके यहां पर दिखाए हुए हैं। प्लांट्स में भी ये काफी बीमारियां कॉज करता है, जैसे कि मोजैक फॉर्मेशन, अगर टोबैको में ये बीमारी कॉज कर रहा है तो क्या करेगा, टोबैको मोजैक डिजीज कॉज करेगा ना, तो इसे आप बोलते हैं मोजैक डिजीज, ओके, मोजैक पैटर्न यहां पे बन जाता है, जैसे किसी ने कुछ छिड़क दिया हो, ऐसे दाग धब्बे हो जाते हैं, इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आपकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। लीफ रोलिंग, लीफ घूम जाती है तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, लीफ कर्ल हो जाती है, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, यानी आपकी लीफ जो हरी भरी होनी चाहिए थी उसको येलो कर दिया जाता है, यानी उसका क्लोरोफिल कंटेंट डिग्रेड हो जाता है, अगर क्लोरोफिल कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस कम होगा और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि आपकी ग्रोथ या हाइट कम रह जाती है आपका एक प्लांट की। रोहन, टुडे वी आर गोइंग टू पोस्ट द लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोबली सीरीज टुडे इटसेल्फ, राइट, सो डोंट वरी, ओके, चलो।
तो ये आपके वायरसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब यहां पर देखो टोबैको मोजैक वायरस दैट इज टीएमवी, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये कैसा आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, फटाफट बताओ, अब ये आपका क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता भी चुका हूं इस लेक्चर में, बट आई स्टिल वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व बाई यू गाइज। और इसका सिंपल सा जो हिंट है वो इसी के नाम में दिया हुआ है, इसका सिंपल सा हिंट इसके नाम में दिया हुआ है दोस्त। देव कुमार इज सेइंग सिंगल, आयान इज सेइंग सिंगल, दैट्स ग्रेट। सैफ अली अंसारी सेइंग डबल स्टैंडर्ड, ओके। हिमांशु सिंगल, सैंडी सिंगल, साइमा सिंगल, इमाद सिंगल, संजना, भक्ति, श्रुति, मोहम्मद सोहेल, रोहिणी, हर्षल, सुनील, बहुत बढ़िया, लाइबा नूर, बहुत सही दीपक, एग्जैक्टली। ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर आपने कहा था कि प्लांट के अंदर जो वायरसेस होती हैं इनकी जेनेटिक मटेरियल यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होती है। तो यहां पर आरएनए तो हमने बोल दिया, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड भी तो लगाना पड़ेगा ना। प्लांट वायरस है कैसे पता लगा, टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको इज अ प्लांट ना, ओके, टोबैको इज अ प्लांट, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वो आरएनए तो है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन कैसा आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इतना तो हमें थ्योरी से देख के समझना ही पड़ेगा ना। ये आपका क्या है, ये एक यूनिट को मैं क्या बोलूंगा, ये जो मैंने अभी लाल से मार्क किया है लाल पेन से, इस एक यूनिट को मैं क्या बोलूंगा, कैप्सिड या कैप्सोमेयर, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, कैप्सिड है या कैप्सोमेयर है, इज इट अ कैप्सिड और इट इज अ कैप्सोमेयर, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। कैप्सोमेयर देव कुमार, वेरी गुड, इट इज अ कैप्सोमेयर, मेयर का मतलब ही होता है यूनिट, और कैसी यूनिट है, कैप्सो यानी कि कैप्सिड बनाने वाली यूनिट है। तो इस पूरे को मैं क्या बोल दूंगा, इस पूरे को मैं बोल दूंगा टोटल जो है इसको मैं बोल दूंगा कैप्सिड, और कैप्सिड क्या काम करता है, आपके डीएनए को या आरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहां पे जो कैप्सोमेयर है इनकी संख्या कितनी होती है, अगर आपने किसी मॉड्यूल में पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू अप, कितने कैप्सोमेयर्स मिलकर आपका कैप्सिड तैयार करते हैं टोबैको मोजैक वायरस का, इनका नंबर फिक्स है दोस्त, इनका नंबर फिक्स है, बताओ ये नंबर कितना है, फटाफट, अगर आइडिया है देन इट्स फाइन, अगर आइडिया नहीं है देन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, ओके। 1700 नहीं, 1700 नहीं है गुरु, थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा नहीं वैसे थोड़ा ज्यादा चूक गए, बट कोई बात नहीं, मतलब गुड ट्राई। देव कुमार 2130, बहुत बढ़िया 2130, इसका नंबर वेरी कर सकता है लेकिन टीएमवी में ये 2130 होता है, ओके, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है ड्यू टू सम यू नो मिसहैप्स, अदरवाइज आपका 2130 थोड़ा फिक्स रहता है। नॉर्मली अलग अलग तरीके का हो सकता है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपका 600 पाया जाएगा, 700 पाया जाएगा, 500 पाया जाएगा, यहां पर आपका टीएमवी में स्पेसिफिकली 2130 कैप्सोमेयर्स आपके पाए जाते हैं। ये आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अच्छा बैक्टीरियोफेज में डीएनए कैसा होगा फटाक से बताओ, अगर मुझे यहां पर डीएनए बनाना हो इसके अंदर तो मैं कैसा डीएनए बताऊंगा, कैसा डीएनए बनाऊंगा मैं इसके अंदर, क्या मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाऊंगा, क्या मैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाऊंगा, क्या मैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाऊंगा, क्या मैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाऊंगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। सो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, अगर मुझे बनाना हुआ तो मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाऊंगा इस तरीके से, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाऊंगा, राइट। चल इसके डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन क्या होता है, यहां पर 650 एंगस्ट्रॉम होता है बोलने के लिए, राइट, 650 एंगस्ट्रॉम, इन मोस्ट ऑफ द बुक्स इट इज रिटन लाइक सो। ये आपका जो हेड पार्ट है आपका पूरा, इसे आप क्या बोलते हो, पॉलीहेड्रल हेड बोलते हो, पॉलीहेड्रल हेड, क्योंकि इसका शेप कैसा है, पॉलीहेड्रल। यहां पे क्या सिमेट्री है आपकी, देखो घूमे हुए हैं, ये आपका एक रिंग है, ये आपका एक रिंग है, इसके बाद ये आपका एक रिंग है, एंड सो ऑन। सो ये क्या है आपकी, हेलिकल सिमेट्री है, ये आपकी हेलिकल हो गई, यहां पर यह कैसा हो गया आपका, पॉलीहेड्रल हो जाएगा, ये आपका पॉलीहेड्रल हो जाएगा, हेक्सागन बना लिया ना इसने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाकर दिखाया था, इसने हेक्सागन बना लिया, सो इट इज पॉलीहेड्रल सिमेट्री, ओके। यहां पर ये 950 एंगस्ट्रॉम का होता है हेड, इसके बीच में कॉलर पार्ट होता है ये छोटा सा, एंड द नीचे क्या होता है आपका मिडल पीस कह सकते हो या फिर शीथ कह सकते हो इसको, तो ये जो शीथ है ये भी आपके अराउंड 950 से 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। देन ये क्या है आपकी, ये आपकी एंड प्लेट है, ये आपकी एंड प्लेट है जिसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, टेल फाइबर्स लगे रहते हैं, तो ये 6 टेल फाइबर्स रहते हैं, नंबर इनका फिक्स है, ये आपके बैक्टीरियोफेज में 6 टेल फाइबर्स लगे रहते हैं, क्या काम है इनका, बैक्टीरिया के ऊपर जाकर बैठ जाना और वहां पर जाकर चिपक जाना, अपने टेल फाइबर्स को बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में गाड़ देना, जिससे कि ये वहां पर अपनी पकड़ मजबूत बना सके और बाद में डीएनए की एंट्री करवा सके। ये आपके टेल फाइबर कितने हो गए, 6 हो गए, डन। ये आपकी किसकी है, ये आपके बैक्टीरियोफेज की
डायमेंशंस है और उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है. सो नीड टू मार्क दैट वेरी वेरी करेक्टली. डन. अब देखो अलग अलग वायरसेस के आपको यहाँ पर डायमेंशंस दिए हुए हैं बट आपको देखना नहीं है. जैसे यहाँ पर आरएनए है और इसके ऊपर आपके कैप्सिड लगे हुए हैं और यहाँ पर कैप्सोमेयर है समझ लो 2130, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोबैको मोजैक वायरस हो जाएगा. राइट. देन यहाँ पर देखो टोबैको मोजैक वायरस ही दिया हुआ है आपको, टोबैको मोजैक वायरस दिया हुआ है, एब्सोल्युटली करेक्ट. देन यहाँ पर एडिनो वायरस क्या आपने एनसीईआरटी में आज तक एडिनो वायरस का नाम सुना है? और सुना है तो कहाँ सुना है फटाफट बताओ. अगर आप एक सच्चे नीट एस्पिरेंट हो और तुमने नाम सुना है और तुमने बता दिया कहां सुना है, यार मैं तुम्हें आज एक किताब गिफ्ट कर दूंगा, बहुत बढ़िया वाली. ओके. एडिनो कहां सुना है मुझे तुम्हें एग्जैक्टली बताना पड़ेगा भाई. माइक्रोब्स में गुरु, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत सही. चैप्टर 10 एग्जैक्टली, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है. उसमें बैक्टीरिया कॉलोनी है, फंगस की कॉलोनी दिखाई हुई है, उसके नीचे क्या लिखा है, एडिनो वायरस कॉज व्हाट, causes what? Adenovirus causes what? बताओ पूरी लाइन बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लाइन याद होनी चाहिए. Adenovirus causes what? ये एक छुपी हुई लाइन है एनसीईआरटी में, छुपी हुई लाइन है बिल्कुल, क्योंकि यूजुअली कोई आपका लिगेंड पढ़ता नहीं है. लिगेंड मतलब जो आपका डायग्राम के नीचे लिखा रहता है ना, उसको लिगेंड बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. सो पढ़ता नहीं है. भक्ति राव रेस्पिरेटरी, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार, बहुत बढ़िया बच्चे हो. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस. वेरी वेरी वेल डन. टुडे आई एम सो प्राउड कि बच्चे कम हैं लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, तुम्हें ये बात पता है जान के बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया. इन्फ्लुएंजा वायरस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है. ओके. इन्फ्लुएंजा में यहां पर क्या लगे रहेंगे आपके, एच हेमाग्लुटिनिन और आपके एन न्यूरामिनिडेज लगा रहेगा, जिसको सियालिडेज भी कहा गया था. चौथा देखो क्या है, बैक्टीरियोफेज T4 है. इसी प्रकार से आपके इवन बैक्टीरियोफेज होते हैं, इवन बैक्टीरियोफेज जिनके नाम में जो नंबर आता है वो इवन होता है. ओके. जैसे कि T2, तो 2 इवन नंबर है ना, T4 फोर इवन नंबर है. सिमिलरली आपके ऑड हो सकते हैं, जैसे T3, तो ये ऑड हो गया. तो यहां पर क्या है, T4 बैक्टीरियोफेज है. आपके T2 बैक्टीरियोफेज को कॉमनली यूज किया जाता है आपके बैक्टीरिया को अटैक करवाने के लिए, तो ये क्या है आपका, वो बैक्टीरियोफेज है. इसके अंदर कौन सा डीएनए होगा, बैक्टीरियोफेज अगर बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. एंड आपका यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर आपका प्रोटीन का कोट लगा रहेगा. डन. चलो बढ़िया. तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं. नाउ आगे आ चुका है आपका वायरॉइड. अब वायरॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. वायरॉइड क्या होता है, नंगा पुंगा वायरस. ओके. यहां लिख देता हूं, अच्छे से याद कर लेना, नंगा पुंगा वायरस. ओके. यानी ऐसा वायरस जिसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं. वायरस के कपड़े क्या हैं, वायरस के कपड़े क्या हैं, आपका प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड. तो वायरस जिसका कैप्सिड आपका गायब हो जाए लेट से, ओके, और लो मॉलिक्यूलर वेट का इसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट हो, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट का सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, आप उसे बोल सकते हो नंगा पुंगा वायरस, दैट इज वायरॉइड. आप इसे वायरॉइड बोल सकते हो. ओके. आप इसे वायरॉइड बोल सकते हो. सो ये भी एक इंफेक्शियस एजेंट है, यानी ये भी आपकी बीमारी कॉज करता है विद अ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड नो प्रोटीन कोट. नो प्रोटीन कोट मतलब कैप्सिड आपका एब्सेंट हो गया एंड लो मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है, तो इसमें डीएनए भी एब्सेंट हो गया. तो कैप्सिड और डीएनए एब्सेंट होता है. अगर नंगा पुंगा आरएनए यूं ही खाली घूम रहा है मौज मस्ती करता हुआ, तो उसको आप क्या बोलोगे, वायरॉइड बोल दोगे. और ये इन्फेक्शियस होता है, ये भी बीमारी कॉज करता है. और सिंस इस पे वायरस में से आपने प्रोटीन कोट माइनस कर दिया, तो ये वायरस से छोटा होगा ना. देखो सिंपल सी बात है, वायरस में क्या था समझ लो, आरएनए था और आरएनए के ऊपर प्रोटीन कोट था. अब यहां पर क्या होगा, वायरॉइड में आरएनए होगा वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का और कैप्सिड भी नहीं है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, वायरस या वायरॉइड, फटाफट बताओ इन दोनों में से छोटा कौन सा लग रहा है, वायरस या वायरॉइड, कौन छोटा लग रहा है दिखने में, वही होगा राइट, वही होगा ना बेसिकली, बिकॉज एक में आपका डीएनए प्रेजेंट हो सकता है और बड़ा बड़ा आपका कैप्सिड प्रेजेंट हो सकता है, दूसरे में आपका कैप्सिड नहीं है. सो अल्टीमेटली यही आपका पाया जाएगा. ओके. आयान इज सेइंग सर ओनली आरएनए कैसे जिंदा है, मैंने कब कहा दोस्त कि ये जिंदा है.
अगर मैं कहता कि ये जिंदा है तो आप इसे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमेलिया में से किसी में पढ़ते, आप इसे लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते? मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सेप्शंस में। तो मैंने भी अपने मुंह से ये तो कभी नहीं कहा कि ये जिंदा है, और आपने सुना हो तो आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि वायरस वायरॉइड जिंदा है, क्योंकि जिंदा होते ही नहीं है, तो कोई बोलेगा भी क्यों, राइट? तो यहां पर ये दोनों मुर्दे हैं भाई एक नंबर के, क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती, इनमें देर इज नो लाइफ बिकॉज देर इज नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो ए सेलुलर की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये तो ए सेलुलर की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली। तो इनमें लाइफ का तो हमने कभी कुछ बोला ही नहीं है, इनमें लाइफ का हमने कुछ नहीं बोला। इन्फेक्शन तो हो रहा है, एग्जैक्टली इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन इन्फेक्शन के लिए इसे एक लिविंग बॉडी चाहिए, और लिविंग बॉडी आपकी होगी। आरएनए तो आरएनए है भाई, वो तो आप अपनी बॉडी के बाहर रखो अंदर रखो डजंट मैटर, ओके? लेकिन आपकी बॉडी में जाके तो वो रिएक्ट करेगा ना, इट्स अ केमिकल। व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज ऑब्वियसली अ केमिकल। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आरएनए एंटर करता है, आपकी बॉडी के अंदर वायरस का डीएनए एंटर करता है, तो इट विल वर्क समहाउ ना, इट विल श्योरली वर्क समहाउ, ओके? सर अगर लाइफ नहीं है तो इन्हें नॉन लिविंग बोलना चाहिए, बट बोलते नहीं है, क्यों? देखो यार, इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है, क्यों? क्योंकि ये किसी की बॉडी में जाने के बाद लिविंग हो जाते हैं, और अगर ये अकेले प्रेजेंट है तो ये नॉन लिविंग है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे वायरस को कनेक्टिंग लिंक बोला गया है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज दोनों तरीके के हैं, तो आप इन्हें एक चीज में डिफाइन कर ही नहीं सकते, राइट? तो इसीलिए इन्हें बीच का जो है, आप बोलते हैं ना कि हाँ भाई, एक जना कहता है कि यार मैं 100 रुपए की चीज बेचूंगा, दूसरा कहता है मैं 50 में लूंगा, तो ये मांडवली कर लेते हैं और 75 में बेच देते हैं। सिमिलरली देर आर सम साइंटिस्ट हू आर सपोर्टिंग दैट वायरसेस आर लिविंग, देर आर सम साइंटिस्ट हू आर सपोर्टिंग दैट वायरसेस आर नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल स्टैनली, जिन्होंने खुद क्रिस्टलाइज किया, तो वो क्यों मानेंगे कि वायरस लिविंग है? उनके हिसाब से तो नॉन लिविंग है, उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। तो इन्होंने बीच का एक समाधान निकाला, इन्होंने करेक्टिंग लिंक बोल दिया कि भाई कुछ कुछ इसमें करेक्टर लिविंग के है, कुछ कुछ नॉन लिविंग के। तो इसमें क्लियर कट आप जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ओके? इट इज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 1971 में डाइनर साहब ने, यानी नीचे जिनकी तस्वीर बनी हुई है, इन्होंने क्या किया था, वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। ही फाउंड दैट इट कॉज पोटेंटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। स्पिंडल का मतलब क्या होता है? स्पिंडल का मतलब पतला और लंबा। तो इन्होंने क्या किया, आलू को पतला और लंबा कर दिया। अब ये गोल आलू है, इसके अंदर भरपूर स्टार्च था, अब इन्होंने क्या किया, इसको पतला कर दिया है, बहुत पतला कर दिया है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी पोटैटो का ट्यूबर क्या हो गया, स्पिंडल जैसा हो गया, लंबा हो गया आलू, उसकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी थी ना, ओवरऑल प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया, ओवरऑल प्रोडक्शन आपका यहां पर कम हो गया, राइट? सो आप जो है इसे नोट कर सकते हैं कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज आखिर होती क्या है। तो यह आपके वायरॉइड से जो कि यहां पर दिखाए हुए हैं, यह आपको ना के बराबर ही समझ में आएगा, ओके? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एक तस्वीर है, तो फर्स्टली आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को, सेम को, टेम को, तब जाके आप जो है इसे समझ पाओगे। अदरवाइज अभी डिजाइन के तौर पे देख लो सिर्फ, जब आगे ग्रेजुएशन में जाओगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। प्रायोन्स, माई फेवरेट टॉपिक। अच्छा, प्रायोन्स को क्या बोलते हैं, प्रायोन्स को क्या बोलते हैं, प्रायोन्स को बोलते हैं मेरे दोस्त प्यार से प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, इन्फेक्शियस पार्टिकल। यानी ये ऐसा पार्टिकल है जो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, और ये प्रोटीन जो है ये क्या करता है, बीमारी कॉज करता है आपकी बॉडी में, और आप में भी कॉज करता है। प्रोटीन कैन कॉज बीमारी इन योर बॉडी एज वेल। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। सो अल्टीमेटली व्हाट इज मिसफोल्डिंग, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, कि मिस फोल्डिंग आखिर होती क्या है, आपको समझना पड़ेगा। प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं मेरे भाई, प्रोटीन कितने लेवल के स्ट्रक्चर शो कर सकता है, पहले तो ये बताओ, तब जाके हम थोड़ा इस पे आइडिया लगा पाएंगे। प्रोटीन कितने लेवल के शो कर सकता है स्ट्रक्चर्स? देव कुमारी सिंह, चार, बिल्कुल सही बात है, चार लेवल के। यहां पर समझ लो आपका प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना हुआ है, कुछ ऐसा ऐसा, ये इसका क्या हो गया, इसमें सिर्फ अमीनो एसिड लगे हुए हैं, समझ लो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है, यहाँ पर वैलिन लगा हुआ है, एलेनिन लगा हुआ है, ग्लाइसिन लगा हुआ है, सेरीन लगा हुआ है, प्रोलीन लगा हुआ है, ये सारे अमीनो एसिड आपके लगे हैं, एंड सो ऑन। ये अगर आपके सीधे सीधे एक सिक्वेंस में जुड़े हुए हैं तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हो गया,
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर अगर ये फोल्ड हो जाता है इस तरीके से टू डायमेंशन में, तो ये क्या हो जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको आप बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये स्प्रिंग जैसा दिखाई देता है, इट इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सिमिलरली अगर ये आपका शीट के फॉर्म में अगर ये तब्दील हो जाता है, तो आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे बोलते हो बीटा प्लीटेड शीट। अगर ये शीट के फॉर्म में बन जाता है तो आप इसे बोलते हो बीटा प्लीटेड शीट। ये भी आपका सेकेंडरी है, बीटा प्लीटेड शीट ये भी आपका सेकेंडरी। देन ये क्या बनता है, ये आपका बनता है टर्शरी, यानी प्रॉपर फोल्डिंग के बाद। तो क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसी के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है। काफी सारे साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये इंफॉर्मेशन है जो कि आपके किसी प्रोटीन को थ्री डायमेंशन में फोल्ड करती है, और हर बार वैसा ही फोल्ड करती है जैसा एक बार ये हो चुका। ओके, तो यहां पर एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस ऐसा का ऐसा ही फोल्ड होता है, ये क्या है इसका टर्शरी स्ट्रक्चर। काफी बार क्या होता है, काफी बार आपका मिस फोल्डिंग हो जाती है यहाँ पे, काफी बार कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, एंड इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी मिस फोल्डिंग हो जाती है। तो ये ऐसा फोल्ड होना चाहिए था, लेकिन ये फोल्ड हो गया है आपका ऐसा, ये फोल्ड हो गया है आपका ऐसा। तो ये कैसा रहा, ये आपके दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए। और ये मिस फोल्डेड प्रोटीन्स क्या करती हैं आपकी, फिर ये आपकी डिग्रेड हो जानी चाहिए यूजुअली, लेकिन काफी बार जब ये डिग्रेड नहीं हो पाती तो ये आपकी बॉडी में क्या करती हैं, बीमारी कॉज करने लगती हैं। किस प्रकार से बीमारी कॉज करती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। मैं आपको लाइफ साइकिल दिखा देता हूं, किसकी, मैं आपको लाइफ साइकिल दिखा देता हूं इस प्रायोन की। यहां पे क्या है, एंडोजिनस पीआरपीसी, पीआरपीसी मतलब प्रोटीन, ओके, पीआर मतलब प्रायोन, एंड पीसी का मतलब क्या है आपका प्रोटीन। तो ये प्रायोन प्रोटीन है, ओके, जो कि अभी तक आपका बीमारी कॉज करने नहीं लगा है, ये आपका नॉर्मल प्रोटीन आप इसे कह सकते हो, ओके, हरा भरा है, नॉर्मल प्रोटीन है, बीमारी कॉज नहीं कर रहा है, ओके। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर अगर ये इंटरैक्ट करता है एक मिसफोल्डेड प्रोटीन के साथ, यानी मिसफोल्डेड मतलब आप इसे बोल रहे हो पीआरपीएससी। अब ये क्या हो गया, पीआरपीएससी, पहले पीआरपीसी था, अब ये पीआरपीएससी हो गया, इसको आपने क्या बोल दिया, मिसफोल्डेड प्रोटीन बोल दिया, मिसफोल्डेड प्रोटीन बोल दिया। ये एक बीमारी कॉज करता है स्क्रैपी, तो आप ये भी यहां से याद कर सकते हो, एससी का मतलब आप स्क्रैपी से याद कर सकते हो कि स्क्रैपी नाम की बीमारी आपका कॉज करता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये नॉर्मल जो आपके प्रायोन्स हैं, जब ये नॉर्मल प्रायोन्स आपके इंटरैक्ट करेंगे, सॉरी, जब ये नॉर्मल प्रोटीन आपका इंटरैक्ट करेगा आपका पीआरपीएससी से, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे पीआरपीएससी में ही, ये दोनों के दोनों आपके पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो गए। एक तो पहले से था, इस हरे वाले को भी कन्वर्ट कर दिया है पीआरपीएससी में, यानी ये भी आपका क्या हो गया है, अब इन्फेक्टेड प्रोटीन हो गया है, ओके। सिमिलरली आपके काफी सारे पीआरपीएससी बनते जाएंगे, नॉर्मल प्रोटीन आपके एबनॉर्मल बनते जाएंगे, और ये अक्यूमुलेट होते जाएंगे। और ये अक्यूमुलेट कहां पर होते हैं, ये आपके ब्रेन में जाकर के अक्यूमुलेट होते हैं। जितने ज्यादा ये बनते जाएंगे उतने ज्यादा आपके ब्रेन में अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे कि आपको क्या हो सकती है, न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज हो सकती है। आपने अल्जाइमर वगैरह का नाम सुना होगा, न्यूरोडीजनरेटिव, उनमें क्या होता है, बीटा अमाइलॉइड जो है आपके जमा हो जाते हैं। सिमिलरली यहां पर आपके पीआरपीएससी जमा हो सकते हैं अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में, या आपकी शीप में जमा हो सकते हैं, शीप की ब्रेन में, या आपका काउ या कैटल की ब्रेन में जमा हो सकते हैं, या आपका ह्यूमन की ब्रेन में जमा हो सकते हैं, या आपका डियर की ब्रेन में जमा हो सकते हैं। तो ये इनमें अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ये क्या डिजीज कॉज करेगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या डिजीज कॉज करेगा, क्रूजीफर जैकॉब सिंड्रोम। क्रूजीफर जैकॉब सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय प्रायोन्स। काउ में क्या करेगा, मैड काउ डिजीज। शीप में क्या करेगा, आपका स्क्रैपी वगैरह कॉज करेगा। तो इन डिजीज के नाम देखो एक बार फटाक से, यहां पर क्या करता है, काफी सारी डिजीजेस कॉज करता है, ओके, वन सेकेंड, ऑलराइट। सो यहां पर देखो, यहां पर आपका क्या होता है, ट्रांसमिसेबल स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसको आप क्या कहते हो, बीएससी भी बोलते हो, दैट इज बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो ये आपका बोवाइन में कॉज करता है। देन आपका क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, ओके, जो कि आपका वेस्टिंग कॉज करता है। देन आपका बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी ये हो ही चुका है। देन क्रूजीफर जैकॉब सिंड्रोम डिजीज ये कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, क्रूजीफर जैकॉब सिंड्रोम, ओके, और स्क्रैपी कॉज करता है शीप के अंदर, ओके,
और आपका वेस्टिंग डिजीज ये कॉज करता है डियर के अंदर। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था, डियर के अंदर हो गया वेस्टिंग डिजीज, ह्यूमन के अंदर होगा क्यूजिफर जैकॉब सिंड्रोम, काउ के अंदर आपका मैड काउ डिजीज हो गया या बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी हो गया, एंड आपका शीप के अंदर क्या हो गया स्क्रैपी हो गया। ये सारे डिजीज आपके कौन कॉज करता है, प्रायोन कॉज करता है। तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं जिनकी फोल्डिंग में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, और ये आपको ये नॉर्मल वेरिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनके साथ जो भी टकराएगा वो आपका पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि जमा हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर और न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस कॉज करते हैं, यानी आपके दिमाग के जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं, वो डिग्रेड होने लगते हैं, जैसे कि आप बीमार महसूस करते हो, राइट। चलो अब क्या है यहां पर, अब देखो लाइकन्स, लाइकन्स में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स है। पहला ये सिंबायोटिक एसोसिएशन है तो दोनों को फायदा होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। पहला है आपका एल्गी, एल्गी क्या करता है, एल्गी आपका प्लांट है तो क्या बनाएगा, खाना बनाएगा, और फंजाई आपका हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, खाना नहीं बना सकता। तो फंगस को किस चीज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, और आपके एल्गी को किस चीज की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है या फिर एब्जॉर्प्टिव सरफेस की जरूरत है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके बढ़िया तरीके से एसोसिएशन बना लेते हैं, साथ रहने लगते हैं। तो फाइकोबायोंट, फाइको का मतलब क्या रहता है, एल्गी, तो फाइकोबायोंट मतलब ऐसा कंपोनेंट जो कि फाइको है, यानी कि जो एल्गी है ये आपका ऑटोट्रॉफिक रहेगा, ये खुद का खाना बनाएगा। फंगल, स्टडी ऑफ फंगस को आप क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, तो माइको का मतलब ही फंगस रहता है, तो फंगस जो है ये आपका हेटरोट्रॉफिक रहेगा, हेटरोट्रॉफिक रहेगा, ये आपका खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। तो किस हिसाब से अपना काम करते हैं, देखो यहां पर समझ लो, एक सेकंड मैं नई स्लाइड ले लेता हूं जिससे कि हम लोग इसे समझ सके। ओके, तो यहां पर देखिए ये आपका क्या है, फंगस है, अब ये बड़ा सा फंगस है जिसपे टिकने की जगह किसे मिल गई, आपके ग्रीन कलर के एल्गी को मिल गई, लेट से। अब ग्रीन कलर का एल्गी जो कि छोटा सा था, ये क्या बनाएगा, ये आपका फंगस की हेल्प से अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर लेगा मटीरियल, तो ये आपका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाएगा, ये इसको वाटर मिनरल्स फॉस्फेट वगैरह एब्जॉर्ब करके देगा, इसके साथ साथ ये इसे शेल्टर भी प्रोवाइड करेगा, मतलब ये इसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, और आपका एल्गी क्या करेगा, ये खाना बनाकर आपके फंगस को प्रोवाइड करेगा। तो ये म्यूचुअल एसोसिएशन हुई ना, एल्गी को भी कुछ कुछ मिल रहा है इससे और एल्गी भी कुछ कुछ दे रहा है इसे, तो ये म्यूचुअल एसोसिएशन आपकी हो जाती है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगस एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, बिल्कुल सही बात है। लाइकन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, यानी ऐसे पॉल्यूटेड एरियाज जिनमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जिनमें पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, वहां पर आपका लाइकन कभी भी ग्रो नहीं करता। ये आप किसी साफ जगह जाओगे ना, किसी जंगल वगैरह में, तो आपको पेड़ों के ऊपर व्हाइटिश कलर का, ओके, या येलो टू ग्रीनिश कलर का जो है आपको क्या दिखाई दे जाएगा, लाइकन पेड़ के तने के ऊपर ग्रो किया हुआ दिखाई दे जाएगा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये एक अकेला ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिजम्स है। फटाफट ये बताओ कि पॉल्यूशन इंडिकेटर है तो ये सेंसिटिव किस चीज के लिए है, कौन सी गैस के लिए सेंसिटिव है, किस गैस की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाता है आपका फंगस। भक्ति राव, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन इंडिकेटर है आपका लाइकन। सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होती है तो लाइकन वहां पर ग्रो नहीं कर पाता, यानी अगर पॉल्यूशन होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये देखो फंगल हाइफे है, फंगस में क्या थे आपके, हाइफे थे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, तो ये आपका हाइफे है जो यहां पर प्रेजेंट है, एंड देन अल्गी के जो सेल्स है ये आपके यहां पर प्रेजेंट है। तो देखो यार फंगल हाइफे कितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, एक रूट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कि ये जकड़ लेते हैं आपके एल्गी सेल्स को, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और अल्टीमेटली इन्हें एब्जॉर्प्टिव एरिया भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, बिकॉज इसके ऊपर फंगल हाइफे है, नीचे फंगल हाइफे है, यहां भी इन्होंने क्रॉस लिंक्स बना रखे हैं, बीच में आपका ये जो ग्रीनिश कलर का है ये क्या है, सिर्फ ये आपका एल्गी है, ये छोटे छोटे आपके माइक्रो एल्गा है जो कि खाना बनाने का काम करते हैं बस। तो फंगस इन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे और ये बैठ के खाना बनाते रहेंगे जो कि फंगस इनसे साथ साथ ले लेगा। तो ये इतने सारे अगर साथ जुड़ जाते हैं, एकदम गुथ जाते हैं एक दूसरे के साथ, कि आप बता नहीं सकते कि ये एक सिंगल इंडिविजुअल है या फिर दो इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन है, इतनी बढ़िया इनके बीच में रिलेशनशिप होती है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे के बिना इनकी जिंदगी अधूरी है, राइट।
सच्चा प्यार है इनका, ओ मांगू टुरु लव, इनका टुरु लव है भाई सच में ही। और साइंटिस्ट बड़े अप्रिशिएट करते हैं इनके रिलेशनशिप को। म्यूचुअलिज्म में इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर आएगा, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसमें भी आपको हम ये पढ़ाएंगे डिटेल में, राइट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, हमारी वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम लेट्स क्रैक नीट यूजी, एंड इफ यू वांट टू कम इनटू माय बैच देन प्लीज जॉइन द कोड विपिन, ओके। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को विपिन कोड का इस्तेमाल करके। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आप मेरे बैच में डायरेक्ट एनरोल हो जाओगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनकॉर्पोरेट कर लिए जाओगे, आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, एंड आप मेरे अलावा भी सारे टीचर्स के वीडियो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा कोड लगाया तो आप सिर्फ मेरे बैच में आओगे, आपको कोटा के जो एजुकेटर्स हैं उनकी वीडियो देखनी है आप उनके देखो, आप आनंद मनी सर का देखो, आप ऋतु मैम का देखो, आपको जिनका देखना है आप उनकी वीडियोस देख सकते हो ये कोड लगाने के बाद भी। सो प्लीज मेक श्योर टू यूज दिस ऐप, ऑलराइट। और मैं मिलूंगा आपसे कल, तो कल एक छोटी सी मीटिंग है मेरी, तो अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दूंगा, उसे ठीक से सॉल्व कर लेना, बस ये एक रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्व कर लेना प्लीज, ओके। और अगर मैं लाइव आ पाऊंगा देन इट्स वेल एंड गुड, अगर लाइव आ पाता हूं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियो आपको कल के लिए मिल जाएगी, तो आप जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं, डन। ऑलराइट गाइस थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।